दोस्तों नमस्कार। आज जो विषय मैंने आपके सामने लाया हूँ वो है भारतीय अदालत में सबूत के रूप में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कितना जायज है। आजकल हर एक आदमी के हाथ में तो मोबाइल रहता है, तो मोबाइल लेके शूट करता है, वीडियो कर निकाल लेते हैं। अब वो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में कितना चलता है उसकी बारे में, वो चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में किसी को भी याद रखना एक बहुत अहम बात यह है कि मूल ऑडियो और मूल वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में वैध स्रोत करके माना जाता है, यानी अलाउबल है। अगर वो मूल रूप में है तो उसमें कुछ भी मिक्सिंग किया, कुछ भी टेपिंग किया, अलग सा है, एडिट किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, एडिट किया है, तो वो नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसको क्या किया, हैंडल किया है। अगर वो मूल रूप का है तो टेप रिकॉर्डिंग को मान्यता दी जाती है और उन्हें किसी भी वो मामला जो हो तो मामले के लिए प्रासंगिक माना जाता है और स्वीकार्य साक्ष्य करके माना जाता है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 65B के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता का प्रावधान है। अब यह प्रावधान कम से कम एक वक्ता, जो अगर मान लो एक 10 जन बात कर रहे, 10 जन की बात हमने रिकॉर्ड कर दी, उसमें से किसी भी एक वक्ता ने स्पष्ट अनुमति अगर दी है, लिखित अगर दी है, तो ही वो भाषण कानूनी रूप से मान्य किया जाता है, नहीं तो माना नहीं जाता, इतना याद रखिए। अब कॉल रिकॉर्डिंग जो किए वो कोर्ट के कानूनी सबूत है क्या, तो 100% है। पहली बात, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार रिकॉर्ड की गई बातचीत एक प्रासंगिक तथ्य है और वो साक्ष्य स्वीकार्य है। अब ये होता है कि आप तस्वीर भी निकालते हैं, फोटोज निकालते हैं, और फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग वो तुलनात्मक किया जाता है कि भाई ये फोटो में यहाँ ये तो तस्वीर लगी थी, ये वीडियो रिकॉर्ड में कुछ और दिख रहा है, इसको क्या किया है, एडिट किया है और कुछ तो किया है, तो अगर वो ओरिजिनल है तो माना जाने वाला ही है, क्योंकि फोटो और वीडियो कुछ और नहीं बताएंगे। और ध्वनि रिकॉर्डिंग अगर हो तो ध्वनि रिकॉर्डिंग भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में दिखाया जा सकता है और इसकी स्वीकार्यता और वास्तविकता पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात अहम होती है जब वो मूल रूप की हो तो उसको वैध माना जाता है। मुझे लगता है आज मैं बहुत कम शब्दों में भारतीय अदालत में क्या सबूत के तौर पे माना जा सकता है, ऑडियो और वीडियो के बारे में हम बात कर रहे थे। आजकल बहुत लोगों के हाथ में तो मोबाइल रहते हैं, किसी भी प्रसंग को वीडियो शूट कर सकते हैं। भाई ये वीडियो आपका सबूत के तौर पे माना जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बारे में आज हमने जान लिया। मुझे लगता है ऐसे अलग अलग विषय आपके सामने रखता हूं। अगर कुछ और तुम्हारे मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगले वीडियो तक यही रुकेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।